अगर नहीं आया है तो उसका मतलब फिर उनको कहीं ना कहीं स्टिफनेस है। अभी हम इनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो है सर्वाइकल का। सर्वाइकल के ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले देंगे फोर मेडुला। इसमें चार स्टेप होते हैं, सबसे पहले देते हैं फोर मेडुला, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर T1 T2, फिर रमन। इसमें चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फोर मेडुला, फोर मेडुला हमारे जो अपर साइड है हमारी चेस्ट से ऊपर के दर्दों को निकालता है। क्लॉकवाइज पूरे एरिया में ब्लड सर्कुलेशन करता है। T1 T2 हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन करेगा और हमारे इसको एक्टिवेट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को। सर्वाइकल है तो हमें वैसे ज़्यादातर तो सर्वाइकल है तो पता ही लग जाता है लक्षणों से कि भाई उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाथों में सुन्नपन है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी मचलाना है, गैस बनना है, या फिर गर्दन में बहुत सारी अकड़न है। तो आजकल तो मुझे लगता है सबको पता ही है सर्वाइकल के बारे में, हर व्यक्ति जानते ही है कि सर्वाइकल है तो सामने वाले बता देगा सर्वाइकल है, बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी हम जो इनको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, अभी आपको दर्द है? अच्छा, काफ़ी अच्छा है। सर्वाइकल में हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ये जो इनके कान हैं ये वाले दोनों तरफ, मैं उधर भी आऊँगा, अभी आप पीछे नहीं, आप पीछे और पीछे अभी ऐसे पाउडर लेंगे हल्का सा, इस प्रकार कान के नीचे लगा देंगे, कुछ करेंगे नहीं बस। फिर उसके अलावा हम अदर दूसरे कान के नीचे लगा देंगे ऐसे, ठीक है। हम कैसे काउंट करेंगे फोर मेडुला? फोर मेडुला मतलब हमने ऐसे करना है, एक दो, ये वन पेयर हो गया, एक बार ही हो गया। इसी को हम चार बार करेंगे, तीन चार, ये टू टाइम हो गया। अगर हमने एक दो ऐसे करके दो बार कर दिया तो ये वन पेयर हो गया, मतलब वन मेडुला हो गया। तो अब हमने इनको देना चार मेडुला, ये हो गया तीन और ये हो गया चार, मतलब एट टाइम काउंटिंग करनी है तो चार हो जाएगा। अगर हम ऐसे दोनों अंगूठों को एक बार करेंगे तो वो वन हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम हम इधर देंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रहे कि ये जो दे रहे हैं ये कान के जस्ट नीचे यही होना चाहिए, इस जगह, इस जगह कान के नीचे, जस्ट इस जगह, ठीक है जी, कान के नीचे इधर, ये कान के नीचे ही देना है, जस्ट कान के नीचे ही देना है, ध्यान रखें जस्ट कान के नीचे ही देना है। उसके बाद में अब हम इनको क्लॉकवाइज देंगे, क्लॉकवाइज आपने आगे से किया ना, एक बार पीछे से कर दो। देखिए ऐसे हम करेंगे इस प्रकार, एक दो तीन चार, ठीक है, फिर आगे बता रहा हूँ, एक दो तीन चार, ठीक है जी। उसके बाद में अब हम इनको देंगे क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज की टेक्निक सिर्फ न्यूरोथेरेपी के लिए ही है, दूसरा नेता कोई अपने हिसाब से करेगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। न्यूरोथेरेपी वाले ही इस टेक्निक को अपना सकते हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है ये, क्योंकि न्यूरोथेरेपी आज के समय की जरूरत है और कोई भी मेडिसिन इसमें नहीं देते, कोई मेडिसिन नहीं, कोई औजार नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई तेल नहीं। दुनिया की किसी जगह भी आप ये ट्रीटमेंट दे दो, जहाज में, ट्रेन में, बस में, कार में, घर पे, ऑफिस में, जिस मर्जी जगह दे दो, ठीक है। अब हम ऐसे हाथ करेंगे, इस प्रकार ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे तीन उंगली, कोई तीन उंगली भी मिला सकता है, अन्यथा चार उंगली भी मिला सकता है, दो उंगली भी मिला सकता है, उसकी एनर्जी के अनुसार वो कितनी ताकत लगा रहा है। अब हम ऐसे लेंगे इसको, ऐसे लेने के बाद में यहाँ ऐसे रखेंगे इस प्रकार, और ऐसे तीन बार क्लॉकवाइज करेंगे एक जगह पे, ऐसे इस प्रकार ऐसे करके आराम से, ठीक है जी। ऐसे हम उसको तीन बार क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से, प्रेशर से सामने वाला जितना प्रेशर सहन कर रहा है उतना ही प्रेशर देना है, ठीक है जी। उसी जगह कान से नीचे, कान से जहाँ से हमारे बाल बनते हैं महिलाओं के और जेंट्सों के बाल जहाँ कटते हैं वहां से हम नीचे तक देते जाएंगे पूरा, जहाँ शोल्डर ब्लेड होता है हमारा, ये शोल्डर ब्लेड इधर, इस शोल्डर ब्लेड तक हम देंगे इसको इस प्रकार, ऐसे देंगे पूरा। आप कृपया देखते रहें, बातें बीच में ना करें। कुर्सी
एक जगह पे तीन बार हमने क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से। दर्द है आपको? इनको बहुत तीखी अकड़न है, बहुत तीखी अकड़न है, बहुत जबरदस्त तीखी अकड़न है। सामने वाले के फेस को जरूर देखें ट्रीटमेंट्स देते समय। कोई भी चीज आप सामने वाले के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके फेस की जो मूवमेंट है उसको जरूर देखें ध्यान से कि आखिर में हम वो किधर जा रहे हैं और किधर नहीं जा रहे। ये थेरेपी बहुत अच्छी है, इसको पूरी सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। दुनिया की ऐसी थेरेपी है कि साला कोई एक रुपये खर्च नहीं करना, एक मशीन नहीं लानी, जहाँ मर्जी ट्रीटमेंट दे दो, जिस मर्जी को दे दो, दुनिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ मर्जी, कोई औजार की जरूरत नहीं। कोई दुनिया कहती है ना जी सर्टिफिकेट दिखा दो, अरे भाई हम इसको बैठा के जहाँ मर्जी दे सकते हैं, दुनिया में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, जहाँ मर्जी दे दो। ये ऐसी थेरेपी है। सर्टिफिकेट होता है, पूरा डिप्लोमा होता है सर, एक कागज तो प्रूफ के लिए चाहिए ना, क्या वैल्यू नहीं है उसकी आजकल के समय में। एक्यूप्रेशर वाले कोई भी अपनी संस्था रजिस्टर करा के कोई भी किसी को देने लग जाता है। इस प्रकार हम क्लॉकवाइज करेंगे कि हम सीधा ना जाके डायगोनल जा रहे हैं। हाँ जी डायगोनल, हाँ जी, पहले हम ऐसे मूविंग, फिर इस प्रकार, फिर ऐसे, कोई भी क्रिया छोड़ेंगे नहीं, फिर हम सीधा जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, इस प्रकार ऐसे, क्योंकि इनके सारे पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन करना है। जो स्टिफनेस है सारे पार्ट की, ये मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, हाँ जी इतना दर्द है, तो सारे पार्ट की हम करेंगे इस प्रकार। दुनिया में कोई डेमो मिल नहीं सकता, अन्यथा तो लोग दुनिया के आतरम झटरम बच्चे से दुनिया का सामान लगा लेते हैं, तो इससे अच्छा डेमो आपको नहीं मिल सकता ना सीखने को। ठीक है जी, अभी हमने यहाँ से जहाँ तक जाना मतलब कुछ भी पार्ट बचा है, आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया हमारा, तो उस पर हम फिर भी कर सकते हैं इस प्रकार ऐसे क्लॉक वाइज। उसके बाद में फिर अब हम इनको देंगे T1 T2। ठीक है जी, T1 T2 सबको पता ही रहता है कि जो उभरी हुई हमारी बोन रहती है पीछे, जो ये उभरी हुई बोन है भाई सब पीछे, आप पीछे आगे नहीं तो आप धीरे धीरे इसके ऊपर जाते हैं। ये जो हमारी उभरी हुई बोन है जिसे बैकबोन बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, प्रथम वो T1 है जो उभरी हुई है, ये T1 है। T1 के जस्ट नीचे ये T2 है, यहीं से हमारे सर्वाइकल की स्टार्टिंग होती है C7 से और यहाँ तक। गर्दन ज़्यादा मूवमेंट करना, कंप्यूटर ज़्यादा एक यूज करना, हाँ गर्दन के नीचे ऐसे सर रख के हाथ सो जाना, सर्वाइकल एरिया में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में डीजनरेशन आ जाना, मतलब वो अपनी जगह चेंज कर लेना, मतलब वो चीज़ चेंज हो जाना। डीजनरेशन का मतलब है कि अब वो चीज़ प्रॉपर शुद्ध थी, प्योर चीज़ चेंज हो गई, डीजनरेशन हो गई। या सर्वाइकल की बहुत सारी प्रॉब्लम दूसरी होती हैं, डिस्क कोई मार लगी और ये हमारा गैप है और ये गैप कम हो गया और बीच में जो जेल है वो बाहर निकल गया, जिसे बोलते हैं सर्वाइकल डिस्क, डिस्क निकल जाती है, डिस्क के बंच। तो बहुत सारे कारण हैं, हम उन सब कारणों में इसमें ये ट्रीटमेंट्स देंगे, सर्वाइकल का कोई भी कारण हो सब में देंगे। अब हम जो देंगे वो भी ठीक हो, सर्वाइकल की कोई भी प्रॉब्लम हो ये हम देंगे ही देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये T1 है, T1 के जस्ट बगल में, हड्डी के ऊपर नहीं, बैकबोन के ऊपर नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा के ऊपर नहीं, जस्ट। ठीक है जी, अब हम ये जो ये हजे बैक जो वर्टिब्रा है इसके जस्ट बगल में हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे राइट साइड ऐसे, जिससे सर्कुलेशन अच्छा हो सके ऊपर की तरफ। ठीक है, T1 और T2, पहले T1 पे करेंगे फिर T2 पे करेंगे, पहले T1 पे फिर T2 पे, तीन बारी, एक दो एक दो एक। ठीक है, फिर हमने जो प्रेशर दिया है उसको हल्का रिलैक्स करके ठीक करेंगे। उसके बाद में हम देंगे भाई सब पीछे, उसके बाद में अब हम इनको देंगे रमन, प्रथम क्रिया थी मेडुला दोनों तरफ, फिर क्लॉकवाइज, फिर T1 T2, फिर रमन। और ये क्रिया दुनिया की बेस्ट क्रियाओं में से चारों क्रियाएं हैं सर्वाइकल ठीक करने की। किसी व्यक्ति को कितना भी सर्वाइकल हो, आप कंटिन्यू 15 दिन, दिन में एक दिन में दो दो तीन तीन बार ये ट्रीटमेंट देंगे और देने के बाद में 15 दिन में उसका सर्वाइकल काफ़ी हद तक निकल जाएगा।
हम ऐसे करेंगे इस प्रकार, कमल जी इधर आइए, ऐसे हाथ रखेंगे आराम से, एक सेकंड, धीरे से इस प्रकार हम हम क्या करेंगे कि धीरे से ऐसे लेंगे और धीरे से ऐसे मसल्स को पकड़ के ऊपर उठाएंगे, पेशेंट से बोलेंगे नाक से सांस लो, नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़नी नहीं है तब तक मैं ना कहूँ, ठीक है, दोबारा दोबारा देखिए, नाक से सांस लीजिए, ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ खींच के इसको पकड़ेंगे, 6 सेकंड कंटिन्यू रोकना है इसको, 6 सेकंड खास ध्यान रहे, ठीक है, 6 सेकंड के बाद में हम धीरे से छोड़ेंगे, फिर अगेन, ठीक है, सेकंड टाइम सांस लीजिए नाक से, मुंह से छोड़िए, हाँ अंगूठा बस ऐसे रहेगा, फिर ये तीसरी बार, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, ऐसे, फिर उसके बाद में हम हल्का सा रिलैक्स कर देंगे, जो हमने तोड़ फोड़ करी है तो उसको रिलैक्स कर देंगे, ठीक है जी, उठ के बताओ कुछ बेटर लगा, कैसा लगा, जोर से बोलो, बहुत बेटर लगा, इस समय जो है जो स्टिफनेस थी गर्दन की वो इस समय काफी, गर्दन इधर उधर जा रही है, आंखें खुली, तो आंखें अपने आप खुल जाती है इंसान की, जो आंखें भारी रहती हैं, नींद आती है, कुछ कर नहीं पाता, गर्दन बहुत जबरदस्त हो जाती है उसके बाद में।